नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का आज की एक और महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बहनों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पूरे बिहार में आंगनवाड़ी केंद्रों पे जो जांच होने वाली है उससे संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर ICDs निदेशालय की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो बिहार के जितने भी आंगनवाड़ी सेविका बहनें इस वीडियो को देख रही हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर जो राज्य स्तरीय टीम है उसको गठित की गई है जांच करने के लिए, हम लोग इस वीडियो में सारी चीज़ों को समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ बिहार सरकार ICDs निदेशालय की तरफ से जो लेटर है जारी किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है आदेश, और जैसा कि वृद्धि निगरानी सप्ताह जो है आपके आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित की जाती है, जिसमें कि 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी लंबाई और ऊंचाई मापी जाती है। साथ में आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जो लाभुक हैं जिनको ICDs की जो सेवाएँ प्रदान की जाती है, जिसकी गुणवत्ता हेतु जो निरीक्षण है वो होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर 20 और 21 अगस्त को आंगनबाड़ी केंद्र पर जो जाँच टीम पहुँचने वाली थी उसका डेट यहाँ पर संशोधन कर दिया गया है, और इसका जो डेट रखा गया है अब 27 और 28 अगस्त को रखा गया है। यानी कि 27 और 28 अगस्त को पूरे बिहार में जो है जो निरीक्षण टीम है वो पहुंचेगी और आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे जांच करेगी। यहां पे हम पूरी लिस्ट आपको दिखाएंगे सभी जिलों का कि किस जिले में कौन से डेट को जो निरीक्षण टीम है वो पहुंचने वाली है। हम आप लोगों को दिखाएंगे कि जो जांच टीम पहुंचने वाली है जो निम्न बिंदुओं पर जांच करेगी उसमें भी संशोधन किया गया है। लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है पदनाम, यानी जो सलाहकार हैं जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है लिस्ट वाइज, और यहाँ पे भ्रमण हेतु जिला, और यहाँ पे तिथि। आप लोग अपने तिथि और जिला को यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा किस दिन आपके जिले में यहाँ पे जो टीम है वो पहुँच सकती है, ठीक है। मैं एक एक करके सभी जिलों का नाम यहाँ पे बताते चलता हूँ, ठीक है। देखिए, नवादा जिला में 27 अगस्त, पटना 27 अगस्त, सारण 27 अगस्त, वैशाली में 27 अगस्त को, कैमूर में 27 अगस्त, नालंदा में 27 अगस्त, समस्तीपुर में 27 अगस्त, अरवल में 27 अगस्त, रोहतास में 27 अगस्त, भोजपुर में 27 अगस्त, मुजफ्फरपुर में 27 अगस्त, मुंगेर में 27 अगस्त, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण में 27 और 28 अगस्त दो दिन में कभी भी पहुंच सकती है, लखीसराय एवं शेखपुरा में 27 और 28 अगस्त, औरंगाबाद में 27 अगस्त, मधुबनी और सुपौल में 27 और 28 अगस्त, बेगूसराय एवं खगड़िया 27 और 28 अगस्त, बक्सर एवं अररिया 27 और 28 अगस्त, मधेपुरा एवं सहरसा 27 और 28 अगस्त, गया एवं जहानाबाद 27 और 28 अगस्त, बांका 27 और 28 अगस्त, पूर्णिया एवं कटिहार 27 और 28 अगस्त, भागलपुर 27 अगस्त, दरभंगा 27 अगस्त, पूर्वी चंपारण एवं शिवहर 27 और 28 अगस्त, जमुई 27 और 28 अगस्त, सीतामढ़ी 27 और 28 अगस्त, किशनगंज 27 और 28 अगस्त, सिवान 27 अगस्त। यानी कि इन तमाम जिलों में जो है इस प्रकार से 27 और 28 अगस्त को जो है निरीक्षण टीम पहुंचने वाली है। अब आइए हम लोग यहां पे देखते हैं जो निरीक्षण टीम पहुंचने वाली है जो निम्न बिंदुओं पे जांच कर सकती है वो यहाँ पे लिखा गया है। अनुश्रवण हेतु जो नामित पदाधिकारी हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र पे जांच के दौरान जो निम्न बिंदुएं हैं उन पे निरीक्षण कर सकती है। लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा किस चीज़ के बारे में यहाँ पे निरीक्षण की जा सकती है। तो यहाँ पे लिखा गया है नामित प्रत्येक जिला से कम 3 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण आवश्यक है। यानी कि 3 आंगनबाड़ी केंद्र का जो निरीक्षण है वो किया जाएगा, 3 से 5-7 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे निरीक्षण किया जा सकता है। प्रत्येक केंद्र से कम 5 बच्चों, जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार 3 SMM बच्चे और 2 अन्य समान बच्चों की जो वृद्धि निगरानी है उसका भौतिक निरीक्षण किया जा सकता है, और उसका पोषण ट्रैकर ऐप में जो आप लोग आंकड़ा डाली है उसका मिलान भी किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे अंडा दूध मूँगफली के वितरण की स्थिति के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। जो लाभुक हैं उनसे भी पूछा जा सकता है, और यहाँ पे नए वृद्धि निगरानी उपकरणों के केंद्र तक वितरण की स्थिति के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि कई आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका जो है जो बोलती है कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे जो है कोई भी उपकरण नहीं दी गई है जो वृद्धि निगरानी से संबंधित है, तो अगर आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे कोई भी वृद्धि निगरानी उपकरण नहीं दी गई है तो आप लोग उनसे बता दीजिएगा कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर कोई भी जो वृद्धि निगरानी है उसको नहीं उपलब्ध कराया गया है। सारी चीज़ों को आप लोगों को सही सही बता देना है, ठीक है, ताकि आपके आंगनबाड़ी केंद्रों पर इसकी जो सेवाएँ हैं वो दी जा सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोषाहार और रेशियन की सूची दिवसवार मेनू के साथ सभी केंद्रों पर प्रदर्शन की स्थिति। जो आंगनबाड़ी केंद्र पे मेनू है जिसका आप लोगों को प्रदर्शन करना है, यानी आप लोगों को पोस्टर वगैरह सब वहाँ पे सही सही वहाँ पे टांग के रखना है, ठीक है। आकांक्षी जिलों में चयनित समक्ष आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, ठीक है, इस प्रकार से जो जाँच है वो की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इस पत्र के साथ जो
दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो जांच के संबंध में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लाभुकों का पोषण ट्रैकर ऐप में जो मोबाइल वेरिफिकेशन है उसकी स्थिति क्या है उसके बारे में भी जांच की जा सकती है। सेविका सहायिका का पोषण ट्रैकर में EKYC की स्थिति क्या है, अगर आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जो जाँच टीम पहुँचती है और आपके पोषण ट्रैकर ऐप में चेक कर सकती है कि आपने सेविका और सहायिका का जो EKYC है वो किया है या नहीं, तो इसको भी आप लोगों को कम्प्लीट कर लेना है 27 और 28 तारीख से पहले। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आप लोगों को तैयारियाँ कर लेनी है, ठीक है। उपरोक्त नामित पदाधिकारी जो है उनको निर्देश दिया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर भ्रमण करके जो मुख्य बिंदुओं हैं उसका मूल्यांकन करेंगे, अनुसरण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सारी चीज़ें सही है। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे कि जो कोबो टूल बॉक्स ऐप है उसके माध्यम से इसका जो प्रतिवेदन है वो विभाग को ICT निदेशालय को वहाँ पर भेज दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों के आंगनबाड़ी केंद्र पर जो जाँच की टीम है वो पहुँचने वाली है। जो 20 और 21 तारीख को डेट रखा गया था उसको संशोधित करते हुए 27 और 28 तारीख का जो डेट है निर्धारित किया गया है। तो सभी आंगनबाड़ी बहनों आप लोग यहाँ पे पहले से सारी चीज़ों को तैयारी कर लीजिए और इन सब सारी चीज़ों के बारे में जो जांच है वो की जा सकती है। हो सकता है कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे टीम पहुँचे भी ना, क्योंकि प्रत्येक जिला में जो है 3 से 5 या 8-10 आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो है वो जांच करने पहुँच सकती है, लेकिन फिर भी आपको पहले से सारी तैयारियाँ कर लेनी है। तो आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।